नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में सभी का स्वागत है। बीते शुक्रवार को क्या जोरदार गिरावट, उसके बाद सोमवार फिर गिरावट के नाम रहा। मेरी छुट्टी, लेकिन वॉल स्ट्रीट से कोई नहीं है साफ, स्पष्ट और तेजी के संकेत। ऐसी स्थिति एक बार फिर से गड़बड़ाइए। शुरुआत करते हैं कमजोर संकेतों के साथ। लगभग 25 अंक आपकी स्क्रीन पर नीचे है, 8750। वत्सल, अगर आप देखें, मैं कहूँगा एक आंकड़ा जिसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है, एक आंकड़ा जिसने वाकई शुक्रवार को कहिए सोमवार को भी काम अपना बखूबी किया, और एक आंकड़ा जो कि दूसरे आंकड़ों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 8700। हम गए सुबह खुलते साथ, अगर आप देखें तो हमने 8700 को वॉलेट किया एक बार ओपनिंग टिक्स के साथ। उसके बाद अगर आप देखें वहीं पे रहे टिकट पूरे दिन, उसके नीचे बहुत डिसाइसिव नहीं गए। आईटी बास्केट थोड़ा ठीक ठाक था, बैंकिंग प्रेशर में था, साथ ही साथ सीमेंट्स एक सीवियर प्रेशर में थे। आइए शुक्रवार के आंकड़ों के बाद, सोमवार के आंकड़ों के बाद, वॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग देखने के बाद हमारी अप्रोच क्या होगी। देखिए आज 8690 8710, ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। याद रखिए 8700 की पुट, यहाँ 56 लाख और 9000 की कॉल, 56 लाख शेयर लेकर ये एक रेंज बाउंड बाजार के लोअर एज को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। निफ्टी बैंक के लिए याद रखिए 16680 काफ़ी क्रिटिकल है, और निफ्टी बैंक में दोनों ही इंडेसिस में यहाँ से एक पुलबैक संभव है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुरुवार यानी बीता गुरुवार से लेकर आज तक के आंकड़ों को देखें, जैसे RSI जैसे इंडिकेटर्स, पुट कॉल रेशियो जैसे इंडिकेटर्स, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार जो कि बहुत ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में था, वो दो दिन के इस एक्सट्रीम स्ट्राइक के साथ, बड़ी तीव्र गिरावट के साथ थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि FIIs के आंकड़े बहुत कमजोर हो, लेकिन वहाँ पर जो 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंडेक्स ऑप्शन उन्होंने बाय किया है, वो एक चीज़ बयां करता है, वो जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद विस्तार से समझाऊंगा दीपाली जी। लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल क्यूज है उनको समझ लेते हैं। रजत के पास चलते हैं सीधे न्यूज़ रूम। गुड मॉर्निंग रजत। रजत, कुछ फेड ऑफिशियल्स की ओर से रेट हाइक को लेकर हॉकिश कमेंट्री आई, जिसने सभी ग्लोबल इक्विटीज को डिस्टर्ब कर दिया। इस डिस्टर्बेंस से उबरने की कोशिश करी मंडे के सेशन में US मार्केट्स ने, लेकिन कल का सेशन फिर बिकवाली के नाम रहा। एग्जैक्टली क्यूज US से अभी क्या मिल रहे हैं, क्यों वापस एक दबाव वहां पर हावी होता हुआ दिखा, और सभी एशियाई बाजारों का भी क्या हाल है? बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी 20-21 को, जो भी बैठक में आउटकम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए, क्योंकि एंटीसिपेशन में कि ब्याज दरें कहीं बढ़ ना जाए, उस एंटीसिपेशन में एकदम से इक्विटी मार्केट्स पे दबाव बढ़ता चला जा रहा है। एक पुलबैक आपने बिल्कुल ठीक कहा, सोमवार के सत्र में बनता हुआ नजर आया था US मार्केट्स में, लेकिन कल की गिरावट बिल्कुल उसके विपरीत, 250 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स पे देखने को मिली। इसके अलावा S&P और नैसडेक भी 1-1.5% टूटते हुए नजर आए। यूरोपियन मार्केट्स में 0.5% से 1% की गिरावट देखने को मिली थी। कोई भी पुलबैक मिल रहा है, ट्रेडर्स को यूज़ कर रहे हैं बेचने के लिए, और यही बात है कि ब्याज दरें बढ़ेंगे कि नहीं, ये जो असमंजस है यही कहीं ना कहीं नर्वसनेस पैदा कर रहा है, और उसके चलते ऊपरी स्तरों पर बहुत स्ट्रांगली बिकवाली देखने को मिल रही है। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में कल 3% के आसपास का गोता लगा गया। WTI क्रूड जो वो $45 के नीचे पहुंचता हुआ नजर आया, स्ट्रांग सेल ऑफ था। इसके अलावा बाजार की जो नजर है वो कल आने वाले रिटेल बिक्री के आंकड़े, ये फोकस में रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अब जो 2021 को फैसला होगा फेड की पॉलिसी बैठक में कि अब क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी और क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड ब्याज दरें बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं फोकस में, और बाजार उसी पे स्ट्रांगली रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। चीन के आर्थिक आंकड़े जो थे, भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन जब चीन के आर्थिक आंकड़े आए वो काफ़ी एनकरेजिंग थे। IIP ग्रोथ जो थी वो 5 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंची, और ये आंकड़ा भी यूरोपियन मार्केट्स को कल के सत्र में संभाल नहीं पाया, उसके बाद भी यूरोपियन मार्केट्स पे दबाव भी देखने को मिला। तो कह सकते हैं ऐसे में कोई भी खबर बाजार पर रिएक्ट नहीं कर रही है, और ट्रेडर्स हर तेज़ी में बिकवाली करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स की शुरुआत जो कल की क्लोजिंग हुई है, US मार्केट्स या फिर अगर यूरोपियन मार्केट संकेत लेंगे उससे बनस्पट ठीक है, मिले जुले संकेत हैं, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट किसी भी मार्केट्स पर नहीं देखने को मिल रही है। देखिए वॉल स्ट्रीट पर सोमवार को पुल बैक, लेकिन मंगलवार को फिर एक बड़ी गिरावट। हमारे साथ अब पैनल जुड़ चुका है हमारा बात करने के लिए। इस वक्त अविनाश गोरक्षा कर रहे हैं, इस वक्त फंडामेंटल से बात करने के लिए, और टेक्निकल से बात करने के लिए राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले अविनाश आपके पास आऊँगा। आई थिंक US मार्केट्स का जो बिहेवियर रहा, रीज़न वही था फेड की बैठक, ब्याज दरों को लेकर क्या निर्णय होगा। और इस बीच अगर आप देखें एक बड़ा रोचक बयान आया ट्रंप का, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि फेड ने ब्याज दरें इसलिए नीचे रखी क्योंकि उसके पीछे कारण था ओबामा। उन्होंने कहा एक फॉल्स मार्केट क्रिएट किया। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था ये। आप क्या कहेंगे? ये जो वोलेटिलिटी है US मार्केट में, ये वोलेटिलिटी 18,000 के ऊपर कायम रहेगी या फिर किसी सीरियस करेक्शन का की तरफ वॉल स्ट्रीट भी बढ़ रहा है, और उसको माइट भी अगर आप देखें लेटर ऑन वर्ल्ड मार्केट भी चेस करेंगे जिसमें हम भी शायद शामिल हो जाएं। अविनाश, गिरेंद्र, मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी आने वाले 2-3 दिनों में काफ़ी और बढ़ सकती है,
और इसका कारण ये है कि इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके अभी भी काफ़ी अनसर्टेंटी है, और जिस प्रकार की कमेंट्री जैनेट येलन कहेगी 21 तारीख को, उसका शायद मार्केट्स को इंतज़ार रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो भी लेवल्स मार्केट देख रहा है, मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी यूएस मार्केट्स में काफ़ी वीक है, तो इसका कारण यही होता है कि सेंटिमेंट से जिस प्रकार से मार्केट इफेक्ट होगा, मेरे ख्याल से हो सकता है कि बड़ी बिकवाली भी आ सकती है। और क्लियरली जो अगर कॉमेंट्री हॉकिश होती है, अगर उन्होंने कहा कि अभी रेट हाइक होता नहीं है लेकिन दिसंबर में पक्का रेट हाइक आने की एक्सपेक्टेशन है, वो भी एक फैक्टर रहेगा मार्केट्स के लिए थोड़ा सा और नरम होने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सेल ऑन राइज वाला भी मार्केट रहेगा कम से कम आने वाले 2-3 दिनों के लिए। जी, राकेश बंसल भी मौजूद है हमारे साथ, वीपी हाँ के ग्लोबल से। राकेश, गुड मॉर्निंग। अभी आपकी इंडेक्स पर स्ट्रेटेजी क्या है, दो सेशन की कमजोरी के बाद कुछ ट्रेड ले रहे हैं अभी निफ्टी पर या फिर अवॉइड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली देखें तो निफ्टी ने एक बहुत बड़ी रैली नीचे 7000 से ऊपरी 9000 के स्तरों की दिखाई है, और ये पहली एक बुल मार्केट करेक्शन है। और जब करेक्शन की शुरुआत होती है तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिलती है। हमने अपने क्लाइंट्स को मंडे मॉर्निंग को ही लॉन्ग्स को स्पेसिफिकली अनवाइंड करने की सलाह दी थी। एज ऑफ नाउ निफ्टी में देखें तो 8700 एक सपोर्ट था जो कि मंडे को होल्ड किया था, और आज वो सपोर्ट टूटेगा। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी को बेच के चलना चाहिए, ऊपर में 8750 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नीचे में 8622 के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। जी, लेकिन अब फटाफट से जरा डेरिवेटिव डेवलपमेंट्स को समझ लेते हैं ताकि एग्जैक्टली जो इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच रही है इंडेक्स को लेकर वो क्लियर हो सके। दो सेशन में जो बिकवाली हावी हुई है इंडियन मार्केट्स में विदेन, उसमें इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन कितना रहा है, और अब फर्दर क्या इंडिकेशन मिल रही है, कोई रिलीफ मिलेगा उनके साइड से इन स्तरों पर, या फिर दबाव एक्सटेंड हो सकता है? आंकड़ों के लिहाज से चलो, और आप मुझे कहें कि वीरेंद्र आज आप क्या ट्रीट करेंगे, तो मैं शायद निफ्टी पर आज एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की गुंजाइश तलाश रहा हूँ। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप एक बार देखिए एफ आई एस ने क्या किया। देखिए एफ आई एस का डेटा पिछले सेशन का याद रखिए। एफ आई एस ने कैश मार्केट पर लगभग 600 करोड़ की बिकवाली करी, और डी आई एस ने अगर आप देखें इनके उलट लगभग 12 करोड़ की बिकवाली करी। अगर आप वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखें, मैं डेरिवेटिव्स में, तो एफ आई एस ने लगभग 4048 करोड़ रुपये की खरीदारी करी। आप ये देखिए अब एफ आई एस ने सेगमेंट वाइज क्या किया। डोर आउट इंडेक्स उन्होंने बेचा, निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, याद रखिए ये शॉर्टिंग नहीं थी। फिर बताऊंगा मैं, इट्स अ लॉन्ग अनवाइंडिंग नॉट शॉर्टिंग। लेकिन दीपाली आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे 5578 करोड़ रुपए की खरीद का, 5578 करोड़ रुपए की खरीद याद रखिए, और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 922 करोड़ की बिकवाली। देखिए हुआ क्या है एक दीपाली, वो बताऊँ मैं आपको। एक आप जरा एक बार कॉल पुट्स पे आएंगे, और पहले जरा निफ्टी दिखाइएगा। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा, मैं अगेन कह रहा हूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग नॉट शॉर्टिंग। ये बाजार अभी शॉर्टिंग नहीं देख रहा था, एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स कट रहे थे। अब जरा आप कॉल और पुट के आंकड़ों पर आइए, ये देखिए यहाँ पे क्या था, 6 लाख शेयर घटे लॉन्ग अनवाइंडिंग, तेजी के सौदे कर रहे। अब जरा ऑप्शंस पे आइए, जरा देखिएगा 8700 की कॉल 6,24,000, 8800 की कॉल 11 लाख, और 8900 की कॉल 10 लाख। कॉल्स की आईवीज भी करीब करीब 20% बढ़ी, कैन यू बिलीव। और एफआईएस का जो 5500 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा है, मेरे ख्याल से हुआ क्या है उन्होंने, देखिए क्या है दीपाली, कि अगर आप 8700 की दो कॉल खरीद लें तो आप क्या हो जाएंगे, आप निफ्टी लॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप 8700 की एक कॉल खरीदेंगे तो आप 0.5% निफ्टी लॉन्ग होंगे। तो मेरे ख्याल से इन्होंने एट द मनी कॉल पे और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे 8800 पे काफी जोर दिया है, बाइंग की है। अब जरा पुट्स पे आइए, आप देखिए पुट्स में कहीं आपको लग रहा है कि मैं बहुत डर गया था, मैंने अपनी पोर्टफोलियो की हेजिंग के लिए 8700 की पुट पकड़ ली। नो, सिर्फ राइटर बाहर निकला। 8600 की पुट में सिर्फ राइटर बाहर निकला, और 8500 की पुट में हार्डली 81,000 का ओपन इंडेक्स जुड़ा। तो ऐसा नहीं था कि बहुत डाउनसाइड को देखते हुए पुट्स पे सीवियर बैंक थी। नो, नॉट एग्जैक्टली। और आप ये देखिए पुट कॉल रेशियो जैसा इंडिकेटर 1.23 जो कि ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री थी, वहां से स्लिप होकर सिर्फ दो सेशन में 1.10। सो फ्रेंकली स्पीकिंग देखिए ये सिर्फ आंकड़े, और आप विक्स देखिए 15.24, याद रखिए इतने बड़े विक्स पर कोई भी बड़ा मूव तुरंत आएगा और वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। बड़ा मूव तुरंत आएगा और तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी साइड में जब आपको बड़ा स्विंग मिल जाए, पैसा बन जाए, तो तुरंत बाहर निकल के आ जाइए। जैसा कि आपको एक बार शॉर्ट पे मिल चुका है, एक बार बाहर आने की कोशिश करिए। और एक और चीज दीपाली मैं बताऊं कि 8700 की पुट और उधर 9000 की कॉल सबसे ज्यादा ओआई लेके खड़ी है। तो याद रखिए अगर आज हम 8700 होल्ड कर गए तो रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए ये मार्केट इस रेंज को डिफाइन कर देगा। एक और चीज, अब निफ्टी बैंक पे आ जाइए, तो मैं निफ्टी पर शॉर्ट नहीं जाऊंगा। फिर निफ्टी बैंक पर आप देखिए, निफ्टी बैंक याद रखिए
19600 के डिसाइसिव लेवल को होल्ड कर रहा था ये सोमवार को, और यहाँ पर दीपाली एक और चीज आपको बताऊं मैं, ज्यादातर प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स अब थोड़ा सा चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है और क्रिटिकल सपोर्ट पे है, तो एक पुल बैक आ सकता है यहाँ से जी। तो ये निफ्टी निफ्टी बैंक पर व्यू हुआ, लेकिन अब फटाफट से बात करते हैं उन शेयरों की, क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जिनको कमाई करा सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज के समझेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच के साथ। पहला जो दो स्टॉक्स रहेंगे, इनफैक्ट स्टॉक्स नहीं है, आईपीओ मार्केट का एक्शन है। जीएन एक्सेल्स का आईपीओ आज ओपन होगा, 16 सितंबर तक ये खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो 205 से 207 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया है, और फ्रेश इशू के जरिए प्रमोटर 63 लाख शेयर बेचेंगे, तो एक नया आईपीओ मार्केट को हिट करेगा। और ऑलरेडी जो एलएनटी टेक सर्विसेज का आईपीओ प्रीवियस सेशन में खुला था, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं मिला, तो अब तक जो आईपीओ है वो 18% ही में सब्सक्राइब हुआ है। आज कल इनफैक्ट ये आईपीओ क्लोज होगा, 850-860 का इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा रिच है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिस्पांस की संभावना थी बिनी, और जिस मार्केट जिस सिचुएशन में आईपीओ है वो भी थोड़ा सा वीक ही था। लेकिन वेदांता केन इंडिया आज का आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि वेदांता पीएलसी के शेयर होल्डर्स ऑलरेडी वेदांता केन इंडिया के मर्जर को अप्रूवल दे चुके थे, लेकिन अब केन इंडिया के शेयर होल्डर्स ने भी इस विलय को मंजूरी दी है। अविनाश, वेदांता पर एक कॉमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी। अब जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद कई सारी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई, मैं सुबह पढ़ भी रही थी, सिटी ने कहा है कि इस मर्जर के बाद कैश रिच बिजनेस का एक्सेस होगा वेदांता को, FY17 में जो डेट रीपेमेंट प्लान है कंपनी का उसमें उसको कंफर्ट मिलेगा। हालांकि रेटिंग उन्होंने न्यूट्रली मेंटेन की है 175 के आसपास की। आपका क्या व्यू है वेदांता और किरण दोनों पर ही? नहीं, मुझे लग रहा है कि मर्जर की मंजूरी अभी केन के शेयर होल्डर्स ने दी है, तो मेरे ख्याल से जो भी आगे की एक्शन रहेगी वो वेदांता में पॉजिटिवली प्ले आउट होगी। हमको लग रहा है कि कंसोलिडेटेड बिजनेस वेदांता के लिए नेक्स्ट 12 से 18 महीने में प्ले आउट होगा। हालांकि इमीडिएटली कोई बेनिफिट्स नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कैश केन के पास जो भी कैश है बैलेंस शीट पर वो कैश डेफिनेटली वेदांता के काम में आएगी। और हालांकि इन्होंने कहा है कि ये कैश कोई और यूज़ के लिए नहीं करेंगे, मार्केट्स ये लेके चल रहा है कि इसमें डेफिनेटली इसकी लिवरेज और इनकी बैलेंस शीट साइज काफी अच्छी तरह से बढ़ेगी, जो लॉन्गर टर्म में वेदांता के शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव रहेगा। मुझे लग रहा है कि जिनके पास केन के शेयर्स है उनको मेरे ख्याल से एक ऑफर में अपने शेयर्स देने चाहिए, और वेदांता में लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। मेरे ख्याल से 160-175 का नियर टर्म रेंज रहेगा। चलिए अब यहां पे अगर आप देखें कुछ और स्टॉक से बात करते हैं, टेक्निकली वीक और टेक्निकली ओवरसोल्ड है। राकेश, बैंकिंग सीमेंट अगर आप देखें, तीन सेशन में सबसे ज्यादा डेंट यहाँ पड़ा। आप निफ्टी बैंक कहाँ से कहा गया, आप यस बैंक को देखिए, आप HDFC बैंक को देखिए, आप एक्सिस बैंक को देखिए, आप ICICI बैंक को देखिए, आप ACC को देखिए, आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए। यहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में जो स्टॉक्स खड़े हैं, इनमें से क्या पिक करना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, इन स्टॉक्स में बिल्कुल भी हम बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट येस बैंक को हमने ऊपरी स्तरों पर बेचने की सलाह दी थी, ओवरसोल्ड है, कोई पुलबैक आ सकता है, बट पुलबैक को हम खेलेंगे नहीं। इनफैक्ट हमारी राय है मोस्टली जो स्टॉक्स FNO के अंदर हैं उनको क्लियरली बेचने की रहेगी, और यहाँ पर काफ़ी टेक्निकली स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हैं, स्पेशली टेलीकॉम स्पेस के। टेलीकॉम के अंदर आइडिया को बेचने की राय दूंगा 85.10 के स्टॉप लॉस के साथ, 77.50 के टारगेट के लिए। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स को बेचने की सलाह रहेगी। यहाँ पर भी चार्ट्स काफ़ी डिस्टॉर्टेड हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। 1097 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 990 के टारगेट के लिए इसको बेचना चाहिए। अगर वीरेंद्र कुछ खरीदना ही है तो मेरा ऐसा मानना है उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो कैश के अंदर हैं, और जहां पर मंडे के दिन एक ब्रेकआउट देखने को मिले हैं या एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर आप ऑटोलाइट इंडिया का अगर आप चार्ट देखें, अमूमन 1 लाख से कम शेयरों का काम होता है, मंडे को 5 लाख से ऊपर का काम हुआ, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्निकली मुझे लगता है स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है, तो 56 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 110-112 के टारगेट के लिए ऑटोलाइट को खरीदने की राय रहेगी। तो ऑटोलाइट इंडिया बाय करने की सलाह है, शॉर्टिंग की स्ट्रेटेजी है जुबिलेंट फूड्स और आइडिया सेलुलर पर।